चिकन मुगलाई हांडी मेरी रेडी हो चुकी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूनिक फूड सीक्रेट, और यूनिक फूड सीक्रेट में आज मैं बनाऊंगी मुगलाई चिकन हांडी। इसके लिए चिकन मैंने ले लिए बोनलेस, इसमें काली मिर्च और लहसुन इसका पेस्ट और नमक लगा के इसको हम कर लेंगे मैरिनेट। बाकी प्याज और अदरक का हम पेस्ट बनाएंगे और शुरू करते हैं इसकी तैयारी। इसको हम रख देंगे 30 मिनट के लिए। प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया है, इसका हम बनाएंगे मसाला। अभी हम रेडी करते हैं अदरक का पेस्ट। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अदरक का पेस्ट, मेरे पास ये बादाम है, अगर आप चाहें तो आप कैशू नट डाल सकते हैं। मैं इसका ही पेस्ट डालूँगी इसमें बना के बादाम का पेस्ट रेडी हो चुका है। अभी हम पहले ऐड करेंगे गोश्त, फिर हम इसको ऐड करेंगे बादाम को। चिकन हम इसमें डाल देंगे। बादाम का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। दही फेंट के मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा। अभी हम इसको पकाएंगे ड्राई होने तक। पे इस स्टेज पे आप इसके स्पाइसेस वगैरह टेस्ट चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च वगैरह अभी इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने टमाटर भी नहीं ऐड किया और ना ही सुरख मिर्च ऐड की है, सिर्फ काली मिर्च है और सुरख मिर्च थोड़ी सी है आई थिंक। हाँ, सब्ज़ मिर्च और टमाटर इसमें नहीं गया, ना ही ज़ीरा और ना ही खुशक धनिया। मुगलाई चिकन हांडी मेरी रेडी हो चुकी है। अभी हम थोड़ा सा इसको और भुनेंगे। तो ये थी मेरी स्पेशल मुगलाई चिकन हांडी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, दुआ में याद रखें। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए भी आप बना सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ नहीं करते,
बहुत प्रोटीन वाली मेरी ये रेसिपी है, एनर्जेटिक है। इसके साथ चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।